कोरोना के फैलाव में कमी आने लगी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.15% पर आ गई। वायरस से 26 अफराद जान बहक हुए, 1983 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना के 1,449 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में जेरे इलाज है। हुकूमत को वफाक या पंजाब में कोई खतरा नहीं, वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिसे पार्टी को नुकसान हो। अपोजिशन अदम इतमाद शोक से लाए, उनको मुंह की खाना पड़ेगी। बिलावल फजल रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोनी हमारा से नजेबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के मजमद असासों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। 1 अरब डॉलर के ट्रस्ट फंड तालीम व सेहत और देखे प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होंगे। वर्ल्ड बैंक अफगान तमीरनों ट्रस्ट फंड्स के जरिए रकम तकसीम करेगा। वर्ल्ड बैंक 1 मार्च को बोर्ड के इजलास में उस पर तबादला ख्याल करेगा। किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। रहनुमा नूली ग्राना सनाउल्लाह का दावा, हुकूमत की अपने आदमियों से तंग और साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इमरान खान ने कल मंडी बहाउद्दीन में जलसे में नामनासिब जुबान इस्तेमाल की। वजीर आजम मुखालफीन पर तशद्दुद के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कराची किंग्स ने PSL 7 में पहली जीत का मजा चख लिया। कराची किंग्स ने लाहौर कैलेंडर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। कराची की जानब से अमीर हमजा ने 4 विकेटें हासिल कर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 117 रन के बड़े हदफ से शिकस्त दी। यूनिट में आज 1 मैच खेला जाएगा। अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कैलेंडर्स की टीम में जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स ने PSL सीजन 7 में दी बेस्ट ना होने का दाग तो दिया। कैलेंडर्स के खिलाफ कामयाबी पर किंग्स के फैंस खुश हो गए। सोशल मीडिया पर भी फैंस कराची किंग्स की कामयाबी को सराहते रहे। पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान रंग में उतरने के लिए तैयार। स्टार बॉक्सर आज इन एक्शन होंगे। आमिर खान का मुकाबला केल ब्रुक्स से होगा। फाइट के लिए दोनों खिलाड़ियों का वजन हो गया। फाइट मैनचेस्टर में हो गया। आमिर खान का मुकाबला जीतने के लिए पूरी उम्मीद। विंटर ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबले, टीमों के मेडल जीतने की जंग में तेजी। न्यूजीलैंड के निको पोटेस ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। एवन नॉर्वे 15 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। और यूरोप के मुख्तलिफ इकबाल लीग्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। जर्मन फुटबॉल लीग में मिंस ने लेवरकोसन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इटालियन लीग में यूवेंटस और टोरिनो के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।